आज आपने अपना 38 फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर किया है, तो वो किस तरह से आप पिच को असेस कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग अब जितने रिमेनिंग ओवर्स रह गए हैं उसके अंदर किस तरह से चाहेंगे कि 400 रन का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस करें 100 ओवर से पहले, ताकि मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट्स ले सकें। जी हाँ बिल्कुल, हमारा बड़ा सिंपल सा प्लान है। अच्छी बात यह है कि जब हम लोग ने पिच को कल आके देखा था तो फैसल ने हमारे साथ बैठ के पूरी असेसमेंट की थी, और अच्छी बात यह है कि वो एक प्लान बनाया था, उस पर एग्जीक्यूट किया सबने। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जो है आपको बाज़ दफ़ा ये कि एक आधी विकेट जब गिर जाती है इसका मतलब ये नहीं कि आप शेल में चले जाएँ। सो जो मुझे फैसल ने बेसिकली हमारे कोच ने जो है वो प्लान दिया था उसके मुताबिक ही अपने एक्सपीरियंस के साथ कोशिश की है कि उसको यूटिलाइज करें, ताकि साथ साथ कोशिश भी की खिलाते भी रहूँ साथ साथ। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन में आप शेल में चले जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो अच्छी बात सबसे जो नज़र आ रही थी ये कि जो इमरान भट्ट है उसने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। हमने कोशिश की कि हम सिंगल्स जो हैं उस पर ज़्यादा जो है ना हम लोग फोर्स करें कि सिंगल्स जो हैं वो आनी चाहिए, डोमिनेट करते हैं, स्ट्राइक रेट होनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट जो है आजकल जो टारगेट दिया जा रहा है बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मॉडर्न डेज में जो ये 100 ओवर की एक क्रिकेट है इसके अंदर बिल्कुल जो है हम लोगों ने शेल में नहीं खेलनी क्रिकेट, थोड़ी पॉजिटिव खेलनी है। सो जैसे ही जो टारगेट्स हमारे कोचेस देते हैं उसके मुताबिक ही जो अच्छी बात है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लड़के, और यंग साइड है, यंग कोच है हमारा, सबसे अच्छी बात है। फैसल ने जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, प्लेयर को बैक कर रहा है, एक बड़ा रिलैक्सिंग माहौल है, एक रास्ता बताया हुआ है, हर सेशन में एक प्लान बनाया जा रहा है। वो प्लान जब बन जाता है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो तो वो बहुत अच्छी होती है। 4 डे क्रिकेट में सबसे अच्छे जो चीज़ है वो प्लान होता है। प्लान जिस तरह से ही मिलता है लड़का जो है उसको विदाउट फियर जाके अप्लाई करे तो वो जो है ना हमेशा उसकी जो फायदा ये होता है कि वो हमेशा सक्सेसफुल की तरफ ही जाता है, और सक्सेस होता है, चांसेस लेने पड़ते हैं आपको। और अल्लाह का शुक्र है कि 700 भी किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, मुझे बाहर रहना पड़ा, उसका देखें नुकसान भी एकदम क्लैप्सिस भी हुए हैं। सो ये एक ऐसी चीज है क्रिकेट में समटाइम आपको पता नहीं चलता, लेकिन अच्छा खेले हैं अभी तक, क्योंकि 300 हम ऑलमोस्ट कर गए हैं। सो हम अपने टारगेट पे जो हमने एक एम किया था पूरे डे का, वो जो प्लान हमारे कोच ने दिया था फैसल ने, उसको हमने कोशिश की है कि उसी पे ही चलें, और सारे लड़के जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। मुजम्मिल और फिर सुलेमान। इमरान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 38 फर्स्ट क्लास सेंचुरी की आपने। इमरान, बीइंग द सीनियर मोस्ट प्लेयर इन द टीम, किस तरीके से यंगस्टर्स को हेल्प करते हैं, और उस वक्त जब आप खुद भी स्कोर कर रहे हो रन्स? देखें जितना एक्सपीरियंस है, जितनी क्रिकेट खेली है एज मेंटोर, मेरी कोशिश, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर भी है, सो मेरी कोशिश है कि अच्छे नोट पे फिनिश करूं, और साथ साथ जो अवेयरनेस पिछले 4-5 सालों से हमारी एक ड्यूटी थी कि प्लेयर भी डेवलप करने हैं साथ साथ। सो कोशिश मेरी यही है कि लड़कों से बात भी करता रहता हूँ, और जितना एक्सपीरियंस है ऐसी कंडीशन में जाके खुद भी खेलने की कोशिश करते हैं, खेल के भी दिखाते हैं, साथ खिलाते भी हैं। सो मज़ा आ रहा है मुझे, और लास्ट ईयर है, मेरी कोशिश है कि अच्छे नोट पे फिनिश करूँ। और रही बात यह है कि अब आपके पास जब फैसल जैसा कोच हो जो आप उसके साथ क्रिकेट खेले भी हैं, उसको आइडिया भी है, सो उसने मुझे जो टारगेट्स दिए थे इस साल जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी पे ही रखूँ। कि मेरा एक्सपीरियंस जो है, फैसल ने मुझे जब टीम बनाई थी तो उसने जब यही कहा था कि एज सीनियर प्लेयर जो तुम्हारा रोल है सारी टीम को चलाना भी है, ठीक है, और अच्छा खेल के भी दिखाना है। सो ये जो चीज़ें हैं, जो टारगेट मेरा यही है कि इस साल जो है अपने आप को जो है खुद भी परफॉर्म करूं, और साथ यंगस्टर्स भी जो है वो साथ साथ हम लोग प्रमोट भी करें और साथ साथ डेवलप भी करें। जी सुलेमान। इमरान, आज पहली गेंद पर पहला विकेट गिरा, प्रेशर आपके तरफ बिल्डअप हुआ, लेकिन आपने इमरान के साथ मिलकर 200 रन की पार्टनरशिप की, और इस वक्त आपकी टीम की पोजीशन काफी मस्तहकम है, और आपने भी बड़ी जारहाना इनिंग खेली है। तो 50 के करीब आपके थोड़ा सा रुक गए थे, आप कितना टारगेट देंगे और कब आप जो मुखालिफ टीम है उसको कल खिलाएंगे? नहीं, हम लोग ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी पिच होती है तो ऑल आउट ही खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रन्स डाले जाएं, क्योंकि ऐसी पिच पे आपको आइडिया नहीं होता कि जो है वो किस वक्त भी जो है, जैसे आपने देखा हमारे एकदम 5 आउट भी हुए हैं साथ साथ। सो इस पिच पे जो है ना कोई सेट नहीं होता, जो सेट होता है उसको ऑल द वे लेके चलना पड़ता है। सो कोशिश हमारी यही होगी कि कल भी जो प्लान हमें फैसल बना के देगा सेशन टू सेशन उसी हिसाब से ही खेलेंगे, और उसके बाद ये है कि मेरे ख्याल से तो ऑल आउट ही जाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 6 आउट तो हो गए हैं।
सो ऑफ कोर्स ये मेरी कोशिश होगी मैं भी जाके अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज करूं और हम कोशिश करेंगे 400 के पास जरूर जाएं जितना भी खेल सकें, क्योंकि पहली इनिंग के जो रन होते हैं एनीथिंग 300+ जो है ना वो दूसरी टीम पे प्रेशर तो होता ही है। सो ये चीज़ें जो है वो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग एटलीस्ट 300 रन आज डे ऑफ में कर गए हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे जो कल आके जो है मैक्सिमम रन जो है वो डालेंगी जो है ना, कोशिश करें और जैसा भी प्लान बनेगा उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच इमरान। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आज मोहम्मद अब्बास भी नहीं थे, एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिसिंग था टीम में, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से आप लोगों के पास जो कुछ शुरू में फर्स्ट बॉल पे आउट करने के बाद जो अपॉर्चुनिटी थी कि मैक्सिमम डैमेज कर सके बलोचिस्तान का शुरू में, आप नहीं कर सके? जी बिल्कुल, अब्बास भाई तो जैसे कि आप देखें टेस्ट में टॉप बॉलर्स में आते हैं, उसका एक्सपीरियंस उसका ग्राउंड में होना बहुत ही अच्छा होता है टीम के लिए। जिस तरह लास्ट मैच में उसने बॉलिंग की है, चाहे पहले इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स में, लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा बैटिंग को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पहले सर्वाइव किया, उसके बाद इमरान भाई और इमरान भट्ट ने जिस तरह की इनिंग्स खेली तो उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की। इलियास, इसके साथ ऑफ कोर्स जब एक सीनियर प्लेयर नहीं थे तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप स्टेप अप कर सकें, तो आज का दिन आपके लिए पर्सनली कैसा रहा? जी बिल्कुल, मुझे खुद आइडिया नहीं था, जैसे ग्राउंड आया हूँ तो कोच ने मुझे कहा कि अब्बास भाई की जगह आपने बॉलिंग करनी है नए बॉल से, तो मुझे खुशी भी हुई है। मैं उसकी जगह ले तो नहीं सकता लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% मैं दे रहा हूँ, और इनशाला जैसे मैंने बॉलिंग भी की और कल भी इनशाला वैसे ही करूंगा। मुजम्मिल, प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। इलियास यंग बॉलर हैं और आपके साथ के बॉलर्स पीएसएल भी खेला है आपने, तो किस तरीके से आगे अपने फ्यूचर को आए कर रहे हैं नेशनल टीम के लिए, क्योंकि आने वाले 6 महीनों में पाकिस्तान ने कई दौरे करने हैं और फिर पाकिस्तान में टीम्स ने भी आना है जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दुबई। जी बिल्कुल, जैसे मैं PSL खेला हूँ, 2 PSL में खेला हूँ, अभी रिसेंटली मैं नेशनल T20 खेला हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने सीनियर से सीखूं और जहाँ पे मुझे मौका मिले मैं उस पे अपनी 100% परफॉर्मेंस के साथ दूं, अपने फिटनेस अपने सब चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं बींग अ मुस्लिम हमारा यही होता है कि जो अल्लाह ने लिखा होता है वही होना है, और मेहनत मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। इलियास, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू, थैंक यू सो मच, सलाम अलैकुम।